भैया चल रहे हो क्या? कहाँ जाओगे भैया? ये आगे मंदिर तक जाना भैया। कौन सा मंदिर जाओगे? लाल मंदिर, जैन मंदिर, हनुमान मंदिर, कौन? लाल मंदिर जाना, लाल मंदिर। लाल मंदिर चलेंगे भैया। 20 रुपया सवारी है। 20 रुपए सवारी है भाईजान। एक बात बोलूँ मैं? हाँ बोलिए भैया। फटा हुआ नोट है ये वाला, चल जाएगा ये वाला? ये फटा हुआ नोट कैसे चल जाएगा भैया? भाई मैं एक बात बोलूँ, मजबूरी यार मेरी, मेरे पे यही फटा हुआ नोट है और कोई है नहीं मेरे पास। आपकी क्या मजबूरी है जी? भाई मजबूरी है कि मेरा ना पर्स वर्स में छूट गया और ये फटा हुआ नोट जेब में से निकला और अब मेरे शायद वहीं तक जाने का किराया है, घर तक भी नहीं जा पाऊंगा मैं। चलो तो ऐसा करो, आप बैठ जाओ। हाँ तो ये भी रख लो नोट, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ऐसे ही छोड़ दोगे? हाँ ऐसे ही छोड़। घाटा हो गया तो? अरे घाटा कुछ नहीं होगा भैया, और किसी से कमा लेंगे। एक बात, एक आध दो सवारी को ऐसे भी छोड़ देंगे। सुनो एक बात बोलूँ भाई, मैं वैसे हिंदू हूँ यार। अरे हिंदू वाली बात ही नहीं है भैया, यहाँ तो हिंदू भी बैठता है, मुसलमान भी बैठता है, हर किस्म का आदमी बैठता है भैया। मजबूरी भी बतलाता है तो हम कहते हैं चल भैया कोई बात नहीं, पैसा नहीं है तो छोड़ देंगे। अच्छा जी, और सवारी दे जाएगा पैसा? दिन भर इतना सवारी को छोड़ते हैं, एक आध सवारी ऐसे ही छोड़ देंगे। वैसे मैंने दो चार बंदों से पूछा यार, मना कर दिया नोट चलाने से या छोड़ने से। आप छोड़ दो भाई, बहुत बैठो, हम छोड़ देंगे। बैठो, कोई ऐसी बात नहीं है भैया, इंसान इंसान के काम में आता है। सही बात है जी। तो मेरे भाई यार एक बात बताओ। हाँ यार, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो तभी भी अपनी तरफ से फ्री में छोड़ रहे हो यार, क्या करें भैया? परदेसी आदमी हो, इधर उधर तुम्हारा पॉकेट भी कट गया, जेब कट गया इधर। भाई बस बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। क्या नाम है वैसे भाई आपका? मेरा मोहम्मद खलील नाम है। खलील भाई यार एक मतलब ये देख लिया मैंने यार, इंसानियत अभी भी जिंदा है इस कलयुग के दौर में है मेरे भाई। हाँ इंसानियत के दौर पे ही तो ये दुनिया कायम है भैया। तो मेरे भाई एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ पूछिए भाई। कितना कमा लेते हो भाई दिन भर में? हम 500-700 रुपया कमाते हैं भैया। 500-700? अब यार बड़ी मेहनत करते हो। सुबह कितने बजे आते हो भाई? हम सुबह आते हैं 10-11 बजे आते हैं। रात में कितने बजे? रात को जाते हैं 10 बजे। ओ भाई साहब। और भाई परिवार में वैसे पूछूं कौन कौन है बताओगे? हाँ परिवार में हमारे दो बूढ़े माँ बाप हैं। अच्छा। तीन बेटी है। अच्छा, तो बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हो आप हैं? एक भाई है, सेवा करता हूँ उनके, उनके उनके साथ ही रहता हूँ। और एक बात पूछूं भाई, मैंने एक चीज नोटिस करी मैंने कि मेरे भाई आप देखो कमाई पे फोकस है लेकिन अपने आप पे नहीं देखा। मैंने ये देखा पजामा यार फटा हुआ है तुम्हारा यार, तो बड़ा अच्छा नहीं लगा यार इस चीज़ को देख के यार। मैं अपने लिए सोच लूंगा तो भैया परिवार के लिए कौन सोचेगा? अरे वाह भाई वाह। भाई बाप का किरदार निभाना भाई आपसे सीखे कोई यार। तो मेरे भाई कोई भी आता है ऐसे मजबूर इंसान, आप छोड़ देते हो उसे? हाँ बहुत सा आदमी बैठता है, कोई बुजुर्ग भी बैठता है रिश्ता में। अच्छा, वो बोलता है कि थोड़ी दूर जाना भैया पैसा नहीं है। हाँ। हम कहते हैं बैठ जाओ बाबा। अच्छा जी, कोई लाचार भी होता है ना आदमी। हाँ। हम उसको भी बिठाता है रिश्ता में। इतनी दूर रह गया मंदिर भाई? मंदिर आगे लाल किला पे भैया, ये आ गया मंदिर सामने मंदिर। अच्छा ये रहा, छोड़। अरे थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू। तो सुनो एक सरप्राइज है आपके लिए। हाँ बोलिए। सरप्राइज ये है, देखो मेरे पास तो थे पैसे। अच्छा, हम बस चेक कर रहे थे कि आप हमारी मदद करते हो कि नहीं करते। अरे क्या बात कर दी है। सही में ये तुम्हारे पास है इतने सारे पैसे, जितने चाहिए उतने ले लो। अरे क्या भैया इसमें से क्या ले लो है? जितने चाहिए उतने ले लो। हमारा मजदूरी 20 ही रुपया है भैया, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अच्छा, हमारा मजदूरी जो है 20 रुपया। 20 रुपए जो चांदनी चौक का अंदर रेट है। हाँ। 20 रुपया सवारी। अच्छा, हम वही 20 रुपया सवारी लेते हैं, सवारी से फालतू पैसा नहीं लेते। अरे वाह, हमारा 20 रुपये का रेट है। तो ये 200 रुपये ले लो या 500 ले लो। नहीं हमें इतनी इसका जरूरत नहीं है इतना। अच्छा, हमें ये चाहिए 20 रुपये। अब भाई साहब ये हमारा मेहनत का खून पसीने का कमाई है 20 रुपये भैया, जो जायज कर रखा है पैसा हमारे। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच भाई, आपने मेरी मदद करी यार।